जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी कर रहे होंगे। हम लोग इस वीडियो में 19 और 20 अक्टूबर का करंट अफेयर्स देखेंगे। यहाँ पे जितने भी करंट अफेयर्स, ये जो पूरे टॉपिक हैं, सभी टॉपिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा समय लग जाता है, थोड़ा लेट हो जाता है, लेकिन मैं जब भी वीडियो डालता हूँ, आप लोग एक बार गंभीरता से अच्छे से देखिएगा। आप लोगों जितने भी यहाँ पे जो करेंट अफेयर्स का जो टॉपिक्स है, वो सभी चीज़ें बहुत अच्छे से कवर होती हैं। बहुत अच्छे से आपको जितने भी टॉपिक्स हैं जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, केवल वही चीज़ें होती हैं। इधर उधर की बकवास चीज़ें, कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं होती टॉपिक्स में। न्यूज़ जैसा कोई बात नहीं होता, जो हमको रियल में जो चीज़ें पढ़नी चाहिए वही हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, एक बार पूरा अच्छे से देखिए और अच्छे से समझिए कि हकीकत में आपको कितना ज़्यादा ये हेल्पफुल होता है पूरा कंटेंट। ठीक है, तो देखिए हम लोग सबसे पहले मैप प्रैक्टिस करेंगे। मैप प्रैक्टिस और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मैप प्रैक्टिस। मैं आप लोगों को अभी पिछले साल का क्वेश्चन पहले ही बताया था और अभी भी बताऊंगा मैं आप लोगों को कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए हम लोग डेली हर वीडियो में अपने एक करेंट अफेयर्स देखते हैं। आज तीन तीन चार लगभग हम लोग इसमें देखने वाले हैं मैप, क्योंकि लगभग जितने भी टॉपिक्स हैं, अगर कहीं पे भी हम लोग को मैप अगर दिखता है तो हम लोग को उसको जरूर उस हिसाब से पढ़ने का कोशिश करना चाहिए। ठीक है, तो ये राफा क्रॉसिंग देखेंगे, अभी न्यूज़ में है, मैप देखेंगे। फिर सिनाई प्रायद्वीप, इसको भी देखेंगे। फिर इसरो का दूसरा स्पेस पोर्ट, इसको भी देखेंगे। उसके बाद से धन विधेयक, एवियन इन्फ्लुएंजा, फिर क्लोरीनीकरण, उसके बाद से एंजल टैक्स, फिर एमएसपी। सारे जितने भी टॉपिक्स हैं सभी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स और मीन्स के लिए। अच्छे से सभी टॉपिक्स को समझेंगे। ठीक है, और इसमें 2 दिन का करेंट अफेयर्स कवर है। देखिए जितना भी मैं आप लोगों को करेंट अफेयर्स बताता हूँ, बस आप लोगों को अच्छे से मैं पूरा ध्यान रखता हूँ। आप लोग को कितना अच्छे से आप लोग तैयारी कर सकते हैं वो आप लोगों के ऊपर होता है। तो आप लोग भरोसा करके टॉपिक्स को बहुत अच्छे से कवर करें। अगर किसी दिन कम पढ़ा रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है। ठीक है, हम लोग हर दिन कितने सारे करंट अफेयर्स पढ़ते हैं, तो मैं जितना भी पढ़ा रहा हूँ, मतलब कहीं ना कहीं वो ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। बाकी बहुत सारे न्यूज़ में, इतने सारे न्यूज़ में बातें चल रही हैं, सभी इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं। ठीक है, तो आप लोग उसके लिए बिल्कुल परेशान मत हुईगा। आप लोगों को जितना मैं बता रहा हूँ उसको बहुत बहुत अच्छे से आप लोग तैयारी कीजिए। जितने भी ये आपको टॉपिक्स दिखते हैं, सभी द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, पीआईबी, इकोनॉमिक टाइम्स, डाउन टू अर्थ से संबंधित होते हैं। आप लोगों को मैं पीडीएफ डाल दूंगा, इसमें आप टेलीग्राम में जा करके ले लेना आप लोग। लेकिन पहले वीडियो को अच्छे से समझिए, है ना, टॉपिक को समझिए, उसके बाद आप पीडीएफ देखेंगे तो अच्छे से आप लोगों को क्लियरली सारी चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है ना, चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम लोग देखते हैं मैप। देखिए मैप में अभी आप देख रहे हैं कि लगातार, मतलब न्यूज़ में, कि लगातार आपको इसराइल और ये फिलिस्तीन का जिस तरीके से संघर्ष चल रहा है, तो उसी में बहुत सारे मैप भी सामने आ रहे हैं। ठीक है, हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट, देखिए संवेदनाएं अपने जगह पर है। हम सबको एक मानवीय भाव के हिसाब से जो अगर हम लोग देखते हैं, तो हम लोग को इतना फीलिंग रहता है कि यहाँ पे भी जिस तरीके से अभी घटनाएं देखने को मिल रही है, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा दुखद घटना है। लेकिन हम लोग अभी, हमारे पास ऐसा कोई भी ऐसी पावर नहीं है कि हम लोग कुछ कर सकें। तो इससे अच्छा है कि हमको अभी जो करना चाहिए ताकि हम लोग आगे चल करके समाज में योगदान दे सकें, तो हम लोग वो कम से कम करें। और अभी हमारे लिए सबसे बेहतर काम है कि हम लोग अच्छे से अपना स्टडी करें, है ना, और अपने अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। उसके बाद से हम समाज में कुछ योगदान करने के लायक होते हैं, तो हम उस समय अपना बेहतर योगदान दे सकते हैं। ठीक है, तो वो देखिए राफा क्रॉसिंग। ठीक है, राफा क्रॉसिंग ये मैप में है और ये हमारे को अभी समझना है। देखिए सबसे पहला पॉइंट तो इसमें समझना है कि आखिर ये न्यूज में क्यों है। ठीक है, बस दो ही चीजें याद रखना है, मैं जो जो चीज आपको बता रहा हूँ। एक, राफा क्रॉसिंग आखिर न्यूज में क्यों है। ठीक है, तो न्यूज में क्यों है इसको समझिए। पहले आप देख रहे थे कि ये वाला जो क्षेत्र, इससे पहले मैं मैप बता चुका हूँ इसराइल का, फिर भी एक बार यहाँ पे इस संदर्भ में बता रहा हूँ। तो एक यहाँ पे ये यह है गाजा स्ट्रिप, या फिर गाजा पट्टी इसको कहते हैं। एक है ये वेस्ट बैंक, ये पूरा वाला एरिया आपको ये सर्कल करके दिखा रहा हूँ, जो ये दोनों जगह पे है फिलिस्तीन लोग, ये लोग रहते हैं। ठीक है, और बाकी जो क्षेत्र आपको दिख रहा है ये पूरा इसराइल का क्षेत्र है। ठीक, अभी जिस तरीके से लगातार इन दोनों में संघर्ष चल रहा है, इसके कारण से क्या हुआ है कि ये जो गाजा स्ट्रिप जहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, आप देखेंगे कि ये इसराइल का ये जो बॉर्डर लाइन है यहाँ पे, ये आपको ये साउथ ईस्ट में देखने को मिलेगा, तो साउथ वेस्ट में, है ना, तो यहाँ पे इजिप्ट का देश शुरू होता है। ठीक है, इसी जगह पर मैं इसको मिटा रहा हूँ, फिर से एक बार देखेंगे आप।
ये वाला जो एरिया है, मैं इसको थोड़ा सा इसको रेड कलर में कर लेता हूँ, शायद आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। देखिए ये वाला जो एरिया है ना, यहाँ पे एरिया जो दिख रहा है, ये है आपका राफा क्रॉसिंग, राफा बॉर्डर क्रॉसिंग इस तरीके से है यहाँ पे, ठीक है। तो राफा क्रॉसिंग भी हम लोग कह सकते हैं। तो इस एरिया को अगर आप ध्यान से देखते हैं तो आपको पता चलेगा कि ये ऐसा एरिया है ना जहाँ पे केवल एक ही एरिया बस दिखेगा आपको इस साइड में, कि अगर यहाँ से लोग इस बॉर्डर को क्रॉस करके इधर आएंगे तो ये इजिप्ट के देश में आ जाते हैं, ठीक है। समझिएगा अच्छे से। और ये जो गाजा स्ट्रिप का जो जो बॉर्डर है, ठीक है, ये पूरा बॉर्डर पे है गाजा स्ट्रिप। अगर इसको हम लोग छोटे से एक इस तरीके से अगर मान ले कि छोटा सा एक द्वीप के रूप में हम लोग मानते हैं, या फिर छोटा सा क्षेत्र के रूप में हम लोग मान लेते हैं इसको, ठीक है। तो इस जगह पे अगर हम लोग इसको देखें मैप में, तो एक तरफ हम लोग को दिखेगा कि इसराइल का क्षेत्र है, दूसरी तरफ दिखता है कि ये जो मेडिटेरियन सी है उधर की ओर इसका क्षेत्र फैला हुआ है, और तीसरे तरफ हम लोग देखें तो दिखता है इजिप्ट का देश, जो कि अलग देश है। तो इनके पास केवल एक ही रास्ता है जो कि यहाँ से ये लोग, जितने यहाँ के लोग हैं, इधर आ सके, है ना। तो अभी जिस तरीके से संघर्ष चल रहा है, तो इसके कारण से, इस डर से, जो यहाँ पे गाजा में रहने वाले जो फिलिस्तीनी है, वे लोग डर से इधर की ओर आ रहे हैं, ठीक है। ये जो आप राफा क्रॉसिंग देख रहे हैं, इसको इधर से इस ओर आगे आ रहे हैं, मतलब ये वाला जो द्वीप है ना, इसको सनाई द्वीप कहते हैं, सनाई प्रायद्वीप। ये भी न्यूज में है, अभी हम लोग इसके जस्ट बाद देखने वाले हैं। तो ये लोग सभी क्रॉस करके इस ओर आ रहे हैं, ठीक है, न्यूज में ये मैटर है। समझ में आ गया, बस इतने को ध्यान में रखेंगे बस। अब दूसरे पॉइंट में क्या आपको ध्यान में रखना है, तो दूसरे पॉइंट में आपको ध्यान रखना है कि ये राफा, जो राफा क्रॉसिंग है, ये आखिर कहाँ पे है, ठीक है। तो आप ये देख रहे हैं कि गाजा स्ट्रिप जो है, इस इसराइल का जो क्षेत्र है, इसराइल के क्षेत्र में जस्ट आप इधर देखेंगे, मतलब कि आप ये पूर्वी क्षेत्र में अगर देखते हैं, इसराइल का पूर्वी क्षेत्र में अगर आप देखते हैं, तो यहाँ पे गाजा स्ट्रिप है, वहीं पे उसी के किनारे में, जो कि इजिप्ट और मेडिटेरियन सी से लगा हुआ जो क्षेत्र है, उसी जगह पे जस्ट बॉर्डर लाइन पे, इसराइल और इजिप्ट का बॉर्डर लाइन पे, यहीं पे है राफा क्रॉसिंग, ठीक है। ये मैप, बस दो चीजें याद रखना, न्यूज में क्यों है और ये जगह कहाँ पे है। ये हो गया। अब हमारे को देखना है कि जब ये राफा से ये लोग जो फिलिस्तीनी हैं, ये निकल के आ रहे हैं, तो ये आ जा रहे हैं इजिप्ट में। तो इजिप्ट में जब ये वाले क्षेत्र में आ रहे हैं ना, तो ये वाला क्षेत्र भी न्यूज में है। ये क्षेत्र को हम लोग कहते हैं सनाई प्रायद्वीप, सनाई प्रायद्वीप, ठीक है। अब देखिए इसके बारे में हम लोग कुछ कुछ खास बातें समझते हैं कि जो सनाई प्रायद्वीप है, ये कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये भी हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि देखिए ये इससे बहुत सारे प्रश्न बनने के चांसेस हैं। देखिए अभी हम लोग देख रहे थे ये वाला, आपको मैं आपको ये पूरा यहाँ पे कलर होता हुआ दिख रहा है, ये वाला जो पूरा बॉर्डर एरिया है, ये इसराइल का है, ठीक है। यहीं पे है गाजा स्ट्रिप, ये वाला क्षेत्र में, हाँ ठीक है। और यहीं पे है ये वाला, ठीक है, ये है, यहीं पे है राफा क्रॉसिंग। ये लोग जब जब फिलिस्तीनी जब क्रॉस करके इस क्षेत्र में आ रहे हैं, तो ये एक अलग से प्रायद्वीप है इस तरीके का, ठीक है, एक टापू की तरीके से। यहाँ इसी को हम लोग कहते हैं सनाई प्रायद्वीप। तो सनाई प्रायद्वीप कहाँ पे है याद रखेंगे, और ये किसकी अथॉरिटी के अंतर्गत है, तो ये याद रखेंगे कि इजिप्ट के अंतर्गत है, ठीक है। अब ये जो सनाई प्रायद्वीप है, इसके बारे में कुछ कुछ खास बातें ध्यान रखेंगे, क्या क्या चीजें। तो ये जो प्रायद्वीप है, पहला पॉइंट कि ये जो है इजिप्ट के अंतर्गत आता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट कि इसको आप देखते हैं कि इसके उत्तरी क्षेत्र में मेडिटेरियन सी दिखेगा, इसको पूरा बॉर्डर लाइन को हम लोग देख रहे हैं, तो मेडिटेरियन सी को टच करता है। फिर आप देखेंगे कि इसराइल बॉर्डर को टच करता है। फिर आप इस क्षेत्र में, आप यहाँ पे आपको दिखेगा एक गल्फ भी है यहाँ पे, इसको कहते हैं अकाबा, ठीक है। तो अगर हम लोग कहें कि देखिए इसको मैप में अगर इस तरीके से, तो इसके नॉर्थ में यानी कि उत्तरी क्षेत्र में आपको मेडिटेरियन सी, ठीक है, पूर्वी क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगा ये वाला इसराइल का क्षेत्र, दक्षिणी क्षेत्र में आप कह सकते हैं कि ये गल्फ ऑफ अकाबा, ठीक है, और इसी के साथ आप रेड सी भी कह सकते हैं। अब इसके पश्चिमी क्षेत्र में अगर आप देखते हैं, तो पश्चिमी क्षेत्र में आपको यहाँ पे दिखेगा गल्फ ऑफ स्वेज, ठीक
ठीक है, या फिर स्वेज कैनाल भी कहते हैं। तो इस तरीके से ये प्रायद्वीप हो गया है, ठीक है, ये सनाई प्रायद्वीप, और इसके बॉर्डर लाइन से जितने भी टच हो रहे हैं ना, ये लोग बहुत मतलब ज़्यादा यहाँ से प्रश्न बनने का संभावना रहता है। तो इसको, इतनी सारी चीज़ों को ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, सारी चीज़ें हम लोग देख लिया, मैटर देख लिया, मैटर क्या था, न्यूज़ में चर्चे में क्यों था, ऐसे करके प्रश्न आता है। देखिए जो जितने भी आप लोगों को मैं मैप बताता हूँ ना, बहुत मतलब सीरियस होकर के उसकी तैयारी कीजिए। अभी 2023 में, 2023 में 7 प्रश्न पूछा गया है, 7 प्रश्न पूछा गया है, 2022 में 8 प्रश्न पूछा गया है। बाकी सभी जो टॉपिक्स होते हैं, सब्जेक्ट होते हैं, उन सबसे इजी चीजें ये होती हैं, क्योंकि जो न्यूज में रहता है बस वहीं से प्रश्न पूछता है, तो उसी को हम लोग तो हर बार हम लोग जब भी न्यूज, जब भी हम लोग करेंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं तो तैयारी कर रहे हैं। आप लोगों को भरोसा दिलाने के लिए मैं क्वेश्चन पेपर भी रखा हुआ हूँ इधर। देखिए मैं ज़्यादातर क्वेश्चन वगैरह पढ़ने का वो नहीं करूँगा, एक बार पहले भी कर चुका हूँ ये सब काम, तो बस आप लोगों को एक भरोसा दिलाने के लिए, नए लोग हैं वो लोग को कई बार होता है कि भरोसा नहीं हो पा रहा है। तो देखिए कांगो बेसिन से प्रश्न पूछा गया, ये 2023 का प्रश्न पत्र है, ये देखो ये 2023 का प्रश्न पत्र है, ठीक है, ये वाला। तो इसमें 8वां प्रश्न आपको देखने को मिल जाएगा सेट ए में, 8वां प्रश्न आप लोग जा करके देख लीजिएगा, ठीक है। 8वें प्रश्न में मैं आपको यहाँ से एक प्रश्न दिखेगा मैप में, उसके बाद से आप जा करके देख लीजिएगा 57 में। मतलब अगर मैं किसी चीज़ को इम्पोर्टेंस दे रहा हूँ, मतलब वो ऐसे ही नहीं है, क्योंकि उसके पीछे मैं भी बहुत सारी चीज़ों को देख समझ करके ही आप लोग को बताता हूँ, ठीक है। देखिए ये 57 नंबर पे जा करके देखेंगे तो आपको यहाँ पे भी एक मैप से संबंधित क्वेश्चन आएगा। अब ये क्वेश्चन क्या है कि ये न्यूज़ में आखिर ये न्यूज़ में क्यों था, ठीक है, और मैप, बस। उसके बाद से अब चले जाएंगे 61 में जा करके देखिएगा। मैं प्रश्न पढ़ के नहीं बताऊंगा, केवल आप लोगों को सामने दिखा दे रहा हूँ, आप लोग वीडियो को रोक करके भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि हमारे पास इतना समय नहीं है। हम लोग करेंट अफेयर्स, मेन फोकस हमारा करेंट अफेयर्स है, लेकिन हमारे को जो क्वेश्चन है उसका एक वैल्यू समझने के लिए भी जरूरी होता है, इसलिए मैं दिखा दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पे देश दे दिया है, कितना देश, 6 देश दिया है, ठीक है। यहाँ पे देखिए यूक्रेन की सीमा से ये लोग साझा करते हैं कि नहीं करते हैं, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लिया, यूक्रेन से संबंधित चीजें, क्यों, यूक्रेन न्यूज में था। मैं जो चीजें न्यूज में है मैं आप लोगों को वही चीजें बता रहा हूँ, तो इसलिए आप लोग थोड़ा सा सीरियस होकर के तैयारी करिए। मतलब ये 7 नंबर, अगर यहाँ से 7 प्रश्न मान के चलता हूँ कि 7 प्रश्न, अगर 6 प्रश्न भी आएगा तो ये 6 प्रश्न कम से कम हमसे ऐसा है कि हम लोग इसको बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। एक छोटा सा नोट्स बनाइए, नोट्स में आप हमेशा मैप जितना भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उस जगह पे सबको एक जगह रखिए। 5 से 10 मिनट लगेगा आपको हर दिन उसको देखने में, बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है और अच्छा तैयारी भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये 61 में आपको ये दिखा, 78 में जा करके देखिएगा आपको ये सीरीज में ए के अंतर्गत, ठीक है, से 78 में भी देखिए आपको कैसा प्रश्न पूछा गया था। फटाफट मैं जानबूझ के बता रहा हूँ, क्योंकि ये हमारा, ये सब चीज़ें मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ, है ना, लेकिन ये सब चीज़ों को बताने से ना ज़्यादातर आप लोगों का फोकस बढ़ता है। पढ़ने का सही तरीका यही है, आपको जितना ज़्यादा ये मैं प्रश्न बार बार बताऊंगा उतना ज़्यादा दिमाग में आप लोग के बैठेगा। देखिए क्या प्रश्न पूछा था, निम्नलिखित में से कौन सा एक देश जो है दशकों से गृह कला, गृह कला का क्या मतलब है, न्यूज़ में वो चीज़ें चल रही थी, उनके अपने देश के अंतर्गत बहुत सारे संघर्ष चल रहे थे, बस उसी संकट से त्रस्त था। तो मैं आपको 2 ही पॉइंट पढ़ाता हूँ IR से संबंधित कंडीशन में, एक तो ये कि वो न्यूज में क्यों था, तो ये न्यूज में क्यों था क्योंकि यहाँ पे लगातार संघर्ष चल रहे हैं। अभी कई बार मैं आप लोगों को अलग अलग देशों का भी मैटर थोड़ा बहुत जो जितना जानने के लायक वो बताता हूँ, बस उतना ही का काम था, ठीक है। किसी देश के अंतर्गत कुछ भी चीज ऐसे चल रही है, बस उतना ही आप ध्यान रखो, दूसरा चीज का मैप ध्यान रखो, बस उतने में आपका एक क्वेश्चन बन जाएगा। अब यहाँ से पूछा गया है कि खाद्य संकट और गृह कला से कौन सा त्रस्त था, बस इतना ही, न्यूज में भी है, उतना ही जानिए बस मैप को, ये है मैप में। अब ये अंगोला, कोस्टा रिका, फिर इक्वाडोर, सोमालिया, ऐसा, ठीक है, ऐसे प्रश्न बन रहे हैं। 78 के बाद से आप ए सीरीज में चले जाएंगे 93 में, तो आपको वहां भी एक प्रश्न दिखेगा, 93 93, ज्यादा हो गया, यहाँ पे देखिए 93 में जाकर के आप लोग देख सकते हैं, मैं आप लोग सामने भी दिखा रहा हूँ, ये है 93। देखिए
देखिए, समाचारों में उल्लेखित होने वाले क्षेत्र और होने के कारण बस नॉर्मल एकदम, कुछ ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है कि आखिर ये लोकेशन है कहाँ पे, और दूसरा चीज कि आखिर न्यूज में क्यों था, बस काम खत्म, इतना ही है। अभी जितने भी इस तरीके की भी ये कारबाक, ये इस तरीके से जो भी है सब न्यूज में ये क्षेत्र है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि बीच में इनके साथ क्या प्रॉब्लम था, क्या मतलब न्यूज में क्यों थे, बस इतना ही क्वेश्चन। देखिए पूरा मैप आपको सामने मैप दिख रहा है ना, तो ऐसे प्रश्नों को आप बिल्कुल मत छोड़ो। मैं हर दिन इस चीज को जब भी करंट अफेयर्स देखते हैं मैं लगभग आप लोगों को बताता हूँ, क्योंकि उसका रीजन है। आप लोग उस पर थोड़ा सीरियस होकर के तैयारी करेंगे, बहुत अच्छा नंबर आएगा। देखिए 97 में समाचारों में उल्लिखित क्षेत्र जिस क्षेत्र में अवस्थित है, ठीक है, तो ये क्षेत्र पूछ लिया, वो कहाँ पे है, किस देश के अंतर्गत है। अभी जैसे हम लोग देख रहे हैं गाजा स्ट्रिप, वो गाजा स्ट्रिप किधर कहाँ पे है, तो हम लोग को दिखा कि सीरिया में है ना, बस उसी तरीके से। अब अभी हम लोग देखे, क्या देखे हम लोग, क्या क्रॉसिंग था, राफा क्रॉसिंग, हाँ राफा क्रॉसिंग है ना, राफा क्रॉसिंग देखे इसराइल में, बस ऐसी। यहाँ से काचिन, इथोपिया, टिग्रे, उत्तरी यमन, बस इस तरीके से प्रश्न बन रहा है। 2023 का है ना, एकदम मतलब एकदम लेटेस्ट जो क्वेश्चन है उसको दिखा रहा हूँ। फिर एक और प्रश्न देख लीजिए, यहीं पे है एक और प्रश्न 97 98। देखिए ये भी हाल के वर्षों में चाड, गिनी, माली, सूडान, ये लोग पूछा गया है यहाँ से कि आखिर ये लोग मतलब अंतर्राष्ट्रीय ध्यान आकर्षित क्यों किए भाई ये लोग, बस ये पूछ रहे हैं नॉर्मल क्वेश्चन। क्यों न्यूज में था, मतलब कहने का मतलब यही है। अभी जैसे है, अभी यहाँ से पूछ लेगा फिलिस्तीन इसराइल अभी ध्यान क्यों आकर्षित कर रहे हैं पूरे वर्ल्ड लेवल पे, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वहां पे भी लगातार आप देख रहे हैं कि युद्ध की स्थिति जैसी चल रही है, लगातार ये सब घटनाएं देखने को मिल रही है, बस यही सब बातें, इसलिए ध्यान आकर्षित कर रहे हैं, बस ऐसे ही करना है, इससे ज्यादा जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो अभी समझ में आ गया कि क्या वैल्यू है ये सब चीजों का, इसलिए सबको ध्यान रखिए। ऐसे बहुत कम YouTube में भी आप लोगों को मिलेगा, ठीक है। तो जहाँ पे अगर मैं सीरियस पढ़ा रहा हूँ तो आप लोगों को बहुत अच्छे समय है, अच्छा समय है कि आप लोग अपना एक इसका फायदा उठाएं, तैयारी करें अच्छे से, ठीक है। देखिए एक प्रश्न पूछा गया था 2017 में भूमध्य सागर से संबंधित, कि भाई इससे कौन कौन से सीमाएं जुड़ी हुई है, तो इसलिए मैं ये सब चीजों को आप लोगों को बताते रहता हूँ। फिर देखिए आप लोग, ये 2015 में पूछा गया था दक्षिण पश्चिम एशिया में निम्नलिखित में से कौन सा एक भूमध्य सागर से जुड़ा हुआ, फिर से एक बार तक नहीं फैला, इस तरीके से पूछा गया था 2015 में। देख लीजिए सामने प्रश्न है ना। देखिए जिन लोगों को भी शौक लग रहा है कि भाई मैं थोड़ा सा चेक कर लूँ, तो लोग ऐसे वीडियो को पॉज कर लीजिएगा और चेक कर लीजिएगा कि आप लोग सही आंसर दे पा रहे हैं कि नहीं दे पा रहे, ठीक है। क्योंकि प्रश्न का मुख्य मेरा उद्देश्य है, मैं प्रश्न यहाँ पे सॉल्व कराने के लिए नहीं, मैं आपको करेंट अफेयर्स का वैल्यू और प्लस करेंट अफेयर्स जो अपने लिए इंपॉर्टेंट है मैं बस वही बताने के लिए मैं पूरा वीडियो बना रहा हूँ। तो कहीं भी ऐसा समय वेस्ट ना हो इसलिए मैं ये चीज़ें नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। आपको मैं ये दिखा दिया तो आपको ये समझ में आए कि जो मैं टॉपिक पढ़ा हूँ कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बस मुझे मेरा काम वही है आप लोग उस चीज़ को समझ जाओ। अगर आप लोग सॉल्व करना है तो वीडियो को रोक करके सॉल्व कर लो। देखिए अगला टॉपिक है कि जो इसरो है, इसरो अभी अपना दूसरा स्पेस पोर्ट जो है बना रहा है ना। अभी ये जो मुख्य रूप से ये मतलब ये जो पोर्ट है इसका लोकेशन हमारे लिए अभी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, एक दो खास बातें बस, ठीक है। तो इसरो जो है अभी तमिलनाडु के क्षेत्र में, आप लोगों को मैप यहाँ पे दिख रहा है, ये मैप यहाँ फिर से एक मैप से संबंधित प्रश्न है। तमिलनाडु अपने भारत का दक्षिण क्षेत्र में, आप देखेंगे पूरा यहाँ पे निचला क्षेत्र में इस जगह पे आपको दिखेगा तुटुकुड़ी, ठीक है, तुटुकुड़ी देख लीजिएगा अपने हिसाब से उच्चारण जैसे हो जाए। इस ये जो जिला है, ठीक है, तमिलनाडु के अंतर्गत तुटुकुड़ी जिला, और उसी के अंतर्गत जो है यहाँ पे कुलसेर कुलसेर करपट्टिनम कुलसेकर पट्टिका पट्टिनम, ठीक है, इसी जगह पर जो है अभी दूसरा स्पेस पोर्ट बनाया जा रहा है। और इसकी खास बात क्या है, बस उस चीज को ध्यान रखिए। एक तो आपको ये लोकेशन दिखा दिया, दूसरी बात ये याद रखिएगा
कि यहाँ पे बड़े बड़े ऐसे लॉन्च नहीं होंगे यहाँ पे, जितने भी आप देखते हैं कि रॉकेट्स वगैरह जो लॉन्च होते हैं आप, ठीक है, उस बड़े लेवल पे लॉन्च नहीं होंगे, छोटे छोटे चीजें जो निजी क्षेत्र में जो विकसित करेंगे ना, उस तरीके के ये मतलब होगा यहाँ पे उपग्रह प्रक्षेपण वहां, ठीक है, छोटे छोटे वो चीजों के लिए रहेगा, बहुत बड़ा बड़ा ऐसा उपग्रह लॉन्च ये सब नहीं करने वाले हैं यहाँ पे। तो बस इसकी मुख्य रूप से खासियत इतनी है कि निजी क्षेत्र के द्वारा विकसित छोटी उपग्रह प्रक्षेपण वाहनों के लिए समर्पित रहेगा, बस मुख्य रूप से इसकी बात ये है। और यहाँ पे मैप में कहाँ पे ये भी देख लीजिए, जिले का नाम थोड़ा सा याद रख लीजिएगा आप लोग, और ये जो नाम है क्षेत्र का, इसके बारे में कुछ कुछ और बातें जो है अभी मैं आपको आगे बता रहा हूँ। देखिए दूसरा तो समझ गया, पहला क्या था, पहला है श्रीहरिकोटा, ठीक है, तो इस जगह पे जिसको अभी हम लोग ये सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के नाम से जानते हैं, ये 1971 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है, और ये कहाँ पे है, तो ये आंध्र प्रदेश में। दूसरा भी जो बन रहा है वो कहाँ पे है, तो वो तमिलनाडु में, ठीक है, जो आंध्र प्रदेश में बना है ये श्रीहरिकोटा में, इसमें क्या है, ये बड़े बड़े यहाँ पे जो है मतलब जो पहले वो लॉन्च कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे PSSLV, ठीक है, और GSLV, ये सब चीजें हम लोग यहाँ पे लॉन्च करते हैं, तो बड़े क्षेत्र में हम लोग ले वहाँ पे है आंध्र प्रदेश में श्रीहरिकोटा, और छोटे छोटे जो प्राइवेट अलग से उपग्रह हो उनके लिए तमिलनाडु में, ठीक है। जो ये तूतुकुड़ी, अभी तूतुकुड़ी जिले में जो अभी बन रहा है, उनका दक्षिणी दक्षिण क्षेत्र में बहुत डिफिकल्ट नाम होता है ना, तो ये जो जगह है कुलशेखर पट्टिनम, कुलशेखर पट्टिनम, ठीक है, ये जगह का नाम याद रखिएगा, तो इस जगह पे अभी बनाया जा रहा है, तो इसका ना कुछ और मतलब एक प्राचीन क्षेत्र में भी इसका कुछ महत्व है। देखिए क्या महत्व है, ये पहली शताब्दी ईस्वी का एक प्राचीन बंदरगाह था, ठीक है, ये वाला जो क्षेत्र है, ठीक है, और इसके अलावा कोल्लम, चेरन, पांडियन, ये जो बंदरगाह है ना, ये इसके समकालीन थे, तो ये जो है कहीं ना कहीं से एक फैक्ट के रूप में प्रश्न पूछा जा सकता है, तो इस फैक्ट को भी ध्यान में थोड़ा सा रखेंगे, ठीक है। अब हम लोग आते हैं धन विधेयक के बारे में, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिए भी प्रश्न यहाँ से बन सकता है, और आप लोग को समझ इसके लिए बहुत अच्छा चाहिए, तो आप लोग थोड़ा ध्यान से इसको समझेंगे, ठीक है, एकदम आसान है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, एकदम आसानी से मैं आप लोग को समझाऊंगा, आप लोग समझ जाएंगे, लेकिन इस चीज को ध्यान रखिए, क्योंकि देखेंगे आप जो पॉलिटी से संबंधित प्रश्न होते हैं ना, चाहे वो प्रीलिम्स में हो चाहे मेंस में हो, थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, ठीक है, मतलब आपको अब अगर आपके अंतर्गत विश्लेषण क्षमता ज्यादा है तो फिर आप अच्छे से बना पाते हैं इसका। तो अभी हम लोग धन विधेयक आखिर क्यों पढ़ रहे हैं, सबसे पहले तो हम लोग इसको समझ रहे हैं, देखिए मैटर क्या है, मैटर यहाँ पे ये यह है कि अभी जो है केंद्र सरकार में जो अभी सरकार है, ठीक है, उसके अंतर्गत जो भी अब जो पावर में जो सरकार होती है उनको क्या करना होता है, कई बार ऐसा होता है जैसे कि अभी मामला हो रहा है, इसको पहले एक मामला छोटा समझिएगा, ठीक है, धन विधेयक अलग है, ठीक है, वित्त विधेयक अलग है, ठीक है, साधारण विधेयक, आप देखते हैं इस तरीके से बहुत सारे अलग अलग विधेयक होते हैं, ठीक है, सबका अपना अपना महत्व है, सबकी अपनी अपनी विशेषताएं हैं, ठीक है, और सभी में अलग अलग कंडीशन भी है। सरकार यहाँ पे क्या कर रही है अभी, कि जो विधेयक धन विधेयक नहीं है उसको भी धन विधेयक में लेकर के आ रही है, और उसको अपना उसको पास करके कानून बना दे रही है, इस कारण से जो है न्यायालय भी इस बारे में विचार करने लग गया है, प्लस बहुत सारी ऐसी ये मतलब इस तरीके से जो घटनाएं देख रहे हैं कि लगातार जो है अलग अलग अधिनियम बनते जा रहे हैं, इसके कारण से बहुत सारी याचिकाएं भी आ रही हैं कि आखिर सरकार ऐसा कैसे कर रही है, वो धन विधेयक आखिर कोई भी ऐसे मैटर पे किसी विधेयक को धन विधेयक बोल करके पेश कर दे रहे हैं, ये कैसे कर मतलब क्यों कर रहे हैं ये सब, जबकि वो तो धन विधेयक से संबंधित नहीं है, मामला यहाँ पे ये फंस रहा है, यानी कि अंडे को मुर्गी बता करके बेच दे रहे हैं, ऐसा कहानी चल रहा है, ठीक है। चलिए कुछ कुछ बातें देखिए, गवर्नमेंट के अंतर्गत हम लोग रहेंगे तो हम लोगों को ऐसी बातें नहीं करनी है, बाकी मैं आप लोग से अभी आपस की बातें इसलिए कर ले रहे हैं, ठीक है, शब्दों का बहुत ज्यादा ध्यान रखना जरूरी रहता है, हालांकि सही गलत बताने का अलग तरीका, उसी को बताओगे थोड़ा अलग तरीके से बताओगे, है ना, तो उस तरीके से।
अभी देखिए, अब मैटर क्या है यहाँ पे, धन शोधन निवारण अधिनियम, ये अधिनियम है ठीक है, इसमें संशोधन किया गया 2015 में ठीक है। लेकिन मामला क्या है अभी इसका, कि इसको धन विधेयक बोल करके पेश किया गया। कारण समझिएगा कि आखिर जो विधेयक है उसको साधारण विधेयक, वित्त विधेयक, जो जिसे संबंधित है उसको करके पास कर सकती है सरकार, फिर आखिर उसको अलग से धन विधेयक में उसको जोड़ करके धन विधेयक मान करके पेश क्यों करवा रही है। इसका एकदम स्पष्ट रीजन हम लोग समझेंगे, क्या रीजन है आखिर इसका, कारण क्या हो सकता है, बहुत अच्छे समझेंगे। आप लोग बस थोड़ा सा इसको पहले कहानी को, मैटर को समझिए, है ना। तो अब यहाँ पे 2015 में धन शोधन निवारण अधिनियम संशोधन इसमें किया गया ठीक है, धन विधेयक के नाम पे इस बिल को करके ठीक है, इसमें संशोधन किया गया। इससे क्या हुआ, जो प्रवर्तन, ये जो अधिनियम है, ये अधिनियम में संशोधन करने के बाद से जो प्रवर्तन निदेशालय है इसको बहुत ज्यादा शक्तियां मिल गई ठीक है, छापेमारी गिरफ्तारी करने के सब शक्तियां मिल गई ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, सब राइट है, अभी लोग किए हैं, मामला वहां पे वो नहीं है। मामला ये है कि जो आप जिस विधेयक के नाम पे जो संशोधन करना है उसी उसी नाम से करो, जो धन विधेयक है नहीं वो चीज, आखिर धन विधेयक क्या है इसको भी समझेंगे ठीक है। तो धन विधेयक अगर है ही नहीं वो चीज, तो धन विधेयक बोल करके क्यों कर रहे हैं। इसके कारण से बहुत सारे कानूनी विशेषज्ञ आ गए, याचिकाकर्ता सब सवाल करने लग गए ठीक है। न्यायालय भी इसी पर विचार कर रही है अभी भी, कि इस पे कुछ ना कुछ किया जाना जरूरी है ठीक है। एक और मामला है वित्त अधिनियम का, वित्त अधिनियम 2017, इसको भी धन विधेयक मान करके इसको पेश करा दिए, पास करा दिए, ऐसा चल रहा है। अब इसके कारण से चिंताएं बढ़ी है कि आखिर जो जो संविधान का कहीं ना कहीं उल्लंघन है, संविधान के साथ फिर खेलने जैसा हो जा रहा है ना, जो संविधान में जिस तरीके से बातें हैं उसको घुमा फिरा करके लोग कर रहे हैं ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग समझ में आ गया कि मैटर क्या है, न्यूज में क्या है, कहानी क्या चल रहा है। अब हम लोग आते हैं मुख्य बात पे। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि धन विधेयक आखिर क्या होता है, फिर हम लोग सबसे मेन चीज समझेंगे कि आखिर सरकार ऐसा कर क्यों रही है, क्या रीजन है उसके पीछे ठीक है। तो देखिए धन विधेयक क्या होता है, धन विधेयक को समझिए। धन विधेयक में देखते हैं दो चीजें मुख्य रूप से याद रखेंगे, तो एक है अनुच्छेद, कि ये 110 अनुच्छेद के अंतर्गत, बहुत सारी उसके अंतर्गत और है आर्टिकल्स, तो ये 110 अनुच्छेद में आता है ठीक है। और धन से संबंधित है, वित्तीय कानून वगैरह से संबंधित चीजें हैं, सभी का क्राइटेरिया है, उतना अंदर हम लोग नहीं जाएंगे। जितने भी धन से संबंधित जो कानून है ना, वो सभी कानून, उस कानून के अंतर्गत कौन कौन से ऐसी चीजें हैं जिसमें, जिसको हम लोग धन विधेयक में मानते हैं, राजस्व से संबंधित, कराधान से संबंधित, सरकारी व्यय से संबंधित, उधार से संबंधित, ये चार चीजों को एकदम ध्यान में रखेंगे ठीक है। अगर इनसे संबंधित कोई भी बातें हो रही हैं तो वो समझिए कि वो धन विधेयक है ठीक है। तो धन विधेयक क्या है, धन विधेयक एक वित्तीय कानून है, लेकिन उसकी भी अलग क्राइटेरिया है। उसकी क्राइटेरिया क्या है, उसके अंतर्गत राजस्व होगा तब वो धन विधेयक माना जाएगा, कराधान, सरकारी व्यय और उधार। धन विधेयक है या नहीं ये किसको, कौन इसको कौन डिसाइड करता है, तो आप लोगों को जानकारी होगा, लोकसभा के अध्यक्ष ठीक है। अब ये धन विधेयक क्या है, हम लोग इसको समझ गए ठीक है, क्लियर है एकदम, छोटा सा। आप लोग और डीप पढ़ना होगा तो आप और अच्छे से डीप जा करके पढ़ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अभी हम लोग को जो समझना है उस हिसाब से हम लोग यहाँ पे बातें कर रहे हैं ठीक है। अब धन विधेयक में मैटर क्या हो रहा है, कि आखिर जो है सरकार जो है उसको क्या जरूरत पड़ रही है ना, सरकार को क्या जरूरत पड़ रही है कि वो धन विधेयक को मतलब धन विधेयक वो है नहीं, अगर कोई विधेयक जो है वो धन विधेयक नहीं है, लेकिन उसको धन विधेयक बता करके पेश करा करके उसको उस कानून को पास करा रही है, ऐसा क्या है, मैटर क्या है। तो देखिए मैटर क्या है, आप समझिएगा बात को, कि जो धन विधेयक है ना, धन विधेयक में बहुत सारे ऐसे रिस्ट्रिक्शंस हैं। कहने का मतलब ये है कि सरकार के पास तीन रास्ते हैं ठीक है, जो दो रास्ते हैं वो ज्यादा डिफिकल्ट है, तीसरा रास्ता जो है थोड़ा सा सरल है। साधारण विधेयक चाहे वित्त विधेयक, ये सब मामले में क्या होता है ना, सभी को समान एक तरीके से अधिकार हो जाते हैं, राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति को भी एक अधिकार होता है इसमें
लेकिन जो धन विधेयक है ना, धन विधेयक लोकसभा को पावरफुल बना देता है, बाकी जो राष्ट्रपति हो गया चाहे राज्यसभा, इनको थोड़ा कम, इनको शक्ति कम कर देता है। अगर सरकार किसी भी टॉपिक को, किसी भी कानून को, अगर वो ये कहेगी कि वो धन विधेयक है, तो वहां पे क्या क्या चीजें होती हैं एक मैटर समझेंगे पहले। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हमारे प्रीलिम्स में ऐसे ही प्रश्न बनते हैं। देखिए, धन विधेयक जो है वो सबसे पहले मतलब लोकसभा में ही इसका प्रस्तुति होता है, ठीक है, राज्यसभा में इसको प्रस्तुत नहीं करते हैं, पहला कंडीशन है। समझ गए आप? इससे क्या हुआ, इससे ये हुआ कि सरकार को राज्यसभा का कोई दबाव महसूस नहीं होगा, राज्यसभा का दबाव कम हो गया। यहाँ अगर सरकार चाहती है कि किसी कानून को हम लोग पास करा लें, तो इससे और उसका आसान रास्ता क्या होगा कि राज्यसभा पूरा उसका एक तरीके से उसका काम ही बंद कर दिया यहाँ पे, ठीक है। दूसरा कंडीशन क्या होता है, राज्यसभा जो है वो केवल और केवल सिफारिश कर सकती है, केवल सिफारिश कर सकेगी वो। जैसे क्या होता है, साधारण विधेयक अगर हम लोग किसी देखते हैं, अगर आप लोगों को ये नहीं पता होगा ना तो थोड़ा सा इसको देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं अभी हम लोगों को बात करने के लिए, ठीक है, सभी में अलग अलग डिफरेंस। बल्कि मैं कुछ दिन बाद इसको फ्री रहूंगा तो वीडियो मैं बना दूंगा, सभी अलग अलग विधेयक में अंतर अच्छे से स्पष्ट हो जाएगा। तो इस विधेयक में क्या होता है कि राज्यसभा और लोकसभा दोनों बराबर रहते हैं, ठीक है। अगर राज्यसभा भी इनकार कर दी तो कर दी, फिर कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, मतलब उनका भी पावर बराबर रहता है, ऐसा है। लेकिन इस जगह पे क्या है ना, जो राज्य सरकार है, जो जो राज्यसभा है ना, ये उसके सहमत है कि नहीं है कोई मतलब का नहीं, सिफारिश करेगी कि भाई आप लोकसभा वाले लोग जो हो, आप लोग थोड़ा सा इसमें ऐसा ऐसा परिवर्तन कर लो, लोकसभा बोलेगी तुम्हारा सुनेंगे ही नहीं, कोई कोई प्रॉब कोई मतलब ही नहीं होगा, ऐसा है। मतलब लोकसभा वाले लोग के मन के ऊपर है, वो लोग मानेंगे तो मानेंगे, नहीं तो नहीं मानेंगे, रोक भी नहीं सकते उसको, ये लोग रोक के भी नहीं रख सकते हैं, ये प्रॉब्लम है, ठीक है। तो सरकार यहाँ पे दूसरे पॉइंट में फिर से मजबूत हो गई उस काम को करने के लिए, ठीक है, ये सब प्रॉब्लम। तीसरा फिर क्या प्रॉब्लम होता है, तीसरा प्रॉब्लम ये होता है कि जब राष्ट्रपति के पास जाएगा ना, जब राष्ट्रपति के पास जब मैटर जाता है धन विधेयक, इस विधेयक में राष्ट्रपति जो है या तो उसको स्वीकार करे या तो अस्वीकार करे, ठीक है, लेकिन उसको पुनर्विचार के लिए वापस नहीं भेज सकता है। आप समझिएगा इस मैटर को कि भाई ठीक तो है, अगर उसको लगेगा, राष्ट्रपति को अगर लगता है कि भाई अस्वीकार करना चाहिए तो अस्वीकार कर देगा, क्या दिक्कत है। दिक्कत है यहाँ पे, दिक्कत ये है कि जो ये मैटर है धन विधेयक से संबंधित चीजें, धन विधेयक थोड़ा सा सीरियस मैटर होता है, ठीक है। अब ये केवल लोकसभा में पास हो रही है, लोकसभा में पास हो रही है का क्या मतलब है, मतलब लोकसभा में पेश हो रही है, मतलब ये जो है सरकार के द्वारा लाया गया विधेयक है, सरकार के द्वारा लाया गया विधेयक है, मतलब जो अभी पावर में सरकार है उस सरकार के अंतर्गत लेकर के आया गया ये विधेयक है। अगर ये सरकार खुद लेकर के आ रही है, अगर उसी में उसको समर्थन ना मिल पाए तो फिर क्या होगा, फिर समझ रहे हैं आप, डाउट होने लगे जनता को, ये एक सबसे बड़ा प्रेशर होता है, ठीक है। दूसरा चीज, राष्ट्रपति को एक लॉजिकल तरीके समझिएगा, ठीक है, राष्ट्रपति इसको अस्वीकार कैसे कर सकते हैं, मुश्किल होता है, ठीक है, हालांकि कई लोग ऐसा क्रांतिकारी कार्य कर भी देते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि सरकार के अंतर्गत राष्ट्रपति भी होते हैं, आप देखते हैं ना सारा संबोधन हर चीज राष्ट्रपति के नाम से होता है, कार्य होता है, राष्ट्रपति खुद अपने सरकार को भी इस तरीके से नहीं कर सकते हैं, ये भी बात है। अस्वीकार इनसे पहले पूर्व एक बार इनसे वो सलाह भी करते हैं लोग इसको लाने के लिए, इसलिए भी ये नहीं कर सकते। पुनर्विचार के लिए तो इनको भेजना ही नहीं, मतलब कुल मिलाकर के तीसरे नंबर पे वो काम सरकार जो है करवा ली, मतलब सरकार जो है धन विधेयक किसी चीज को परिवर्तित कर दे रही है धन विधेयक में, क्योंकि उसको ये सब चीजों से पूरा बचाव मिल जा रहा है, पूरा सुरक्षा मिल जा रहा है। मैटर समझ गए आप अच्छे से कि किसी विधेयक को कानून बनाना है तो उसके लिए ये रास्ता सरकार को ज्यादा अच्छा लग रहा है, ठीक है। कोई भी ऐसा मैटर हुआ तो होता है ना, इसमें अगर कोई मैटर हुआ, ये जो धन विधेयक है ना, धन विधेयक में
अगर कोई मैटर हुआ ना तो राज्यसभा लोकसभा लोग एक साथ संयुक्त बैठक भी नहीं कर सकते इसमें, क्योंकि राज्यसभा का इसमें कोई अस्तित्व ही नहीं है। राज्यसभा को बस ऐसे देखने के लिए जाएगा, हाँ देख लिए वापस कर दो, कुछ जरूरत ही नहीं इनका, कोई काम ही नहीं है इनका, समझ रहे हो। इतना ज्यादा मतलब धन विधेयक में अधिकार मिल जाता है सर, केंद्र से, जो जो मेन पावर पावरफुल सरकार है, जो पावर में है सरकार। ये सब के कारण से क्या होता है, कई बार जो है सरकार जो है वो लोग क्या करते हैं, किसी विधेयक को धन विधेयक बता करके भी पेश कर देते हैं, और यही अभी प्रॉब्लम है। ठीक है, मैटर समझ गए, हर एक चीज आप कारण वगैरह हर चीज समझ में आ गया आपको, ठीक है ना। ये हमारे प्रीलिम्स मेंस दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है, मेंस के लिए प्रश्न था, प्रीलिम्स के लिए भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, दोनों मतलब मेंस प्रीलिम्स दोनों के लिए। लेकिन मैं यहाँ पे मेंस के लिए आपको प्रश्न नहीं दे पाया हूँ, आप लोग खुद से आप उसका एक उत्तर प्रश्न बना करके लिख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि आप लोग वैसा रिस्पॉन्स भी नहीं कर रहे, इसलिए मैं ज्यादा नहीं कर रहा था, नहीं किया मैं वैसा, ठीक है। नहीं तो प्रश्न बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बना सकता था मैं। देखिए, धन विधेयक से संबंधित कुछ इस प्रकार से प्रश्न पूछा गया था 2018 में। तो धन विधेयक इस तरीके के जो विधेयक है ना, ये मतलब विधेयक वगैरह ये सब चीजों से लगभग एक ना एक प्रश्न आपको देखने को मिलता है हमेशा, ठीक है, अलग अलग तरीके से आपको दिखेगा। मतलब ये सब थोड़ा सा मेजर पॉइंट है जो आपको ज्यादातर प्रीलिम्स में आपको वहां से प्रश्न दिखता है, ठीक है ना। तो 2018 में ऐसा धन विधेयक से ही पूछा गया था। मैं और चीजें नहीं बताऊंगा, बस आप लोगों को विश्वास दिलाने के लिए कि भाई जो मैं बताया वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मैटर, उस पर बी सीरियस, ठीक है। देखिए एक और प्रश्न है, ये भी धन विधेयक से पूछा गया, क्या पूछा गया, राज्यसभा के द्वारा जो है पर्याप्त तो संशोधन किया जाए तो क्या होगा। संशोधन संशोधन वगैरह का मैं आप लोगों को सारी चीजें बता चुका हूँ, ठीक है। राज्यसभा के पास बहुत ज्यादा कोई ऐसा अधिकार रहता नहीं, तो ऐसे में ऐसे ऐसे प्रश्न पूछे गए, ठीक है, मैं उस पर डिस्कस नहीं करूंगा प्रश्न पे, ठीक है। प्रश्न केवल आपको दिखाने के लिए सामने रखा हूँ, ताकि मैटर जो है उसको समझें, आप लोग अपने हिसाब से सॉल्व कर लीजिएगा उसको। अगला टॉपिक है एवियन इन्फ्लुएंजा, ठीक है, एवियन इन्फ्लुएंजा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये प्रीलिम्स के लिए खास करके। क्यों, देखिए अभी क्या हुआ है कि जो हमारे भारत सरकार है ना, वो क्या करती है, वो क्या की है कि जो ये एवियन इन्फ्लुएंजा है ना, इसको अपने देश के अंतर्गत स्व घोषणा की है, यानी कि खुद से ये घोषित की है कि ये जो बीमारी है हमारे देश में खत्म हो गया, हम लोगों ने पूरा उसको खत्म कर दिया, ऐसी घोषणा की। इसके पीछे का रीजन क्या है, पहले मैटर समझेंगे तो हम लोग को मैं बताऊंगा, ठीक है। ये घोषणा वर्ल्ड लेवल पे कर दी है, और जब ये घोषणा करने के बाद से विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन है, ठीक है, वर्ल्ड लेवल पे, इन लोगों ने भी, इस संगठन ने भी इसके, ये जो भारत के द्वारा ये स्व घोषणा की मंजूरी, मतलब स्व घोषणा की गई है, इसको इन लोगों ने मंजूरी भी दे दी है, यानी कि वर्ल्ड लेवल पे जो है पशु से संबंधित जितने भी स्वास्थ्य संबंधित एक संगठन है, ठीक है, विश्व पशु संगठन, ये संगठन भी जो है भारत के स्व घोषणा को समर्थन कर रही है। इससे अब यहाँ पे क्या होगा कि मान के चलिए जो पशु हैं, जितने भी ये सब चीजें जो हैं, आप देख रहे हैं चिकन वगैरह सब चीजों में ज्यादातर इकोनॉमी संबंधित, व्यापार से संबंधित जो चीजें हैं ना, इसमें बढ़ोतरी होता है, क्योंकि हर एक देशों में आप देखते हैं कि कभी आप देखे होंगे ना, बरसात क्षेत्र में, बरसात में भी कई बार हम लोग देखने को मिलता है कि ऐसी ऐसी कुछ बीमारियां फैल जा रही है चिकन्स में ये सब, तो फिर क्या होता है, पूरा मार्केट डाउन हो जाता है ना। तो अगर हम लोग ये कहें, अगर भारत ये कहे कि हमारे देश के जितने भी जानवर जीव हैं उन सभी को, उन सभी में कोई भी ऐसी बीमारी नहीं है, सभी को जितना बीमारी था सब हम लोग खत्म कर चुके हैं, तो इससे क्या होगा, इससे बाकी जो पूरे वर्ल्ड पे जो देश है सभी का एक विश्वास बढ़ेगा, और फिर उस यहाँ पे क्या होगा, फिर देश का बिजनेस भी उससे बढ़ेगा, है ना। तो इसके कारण से ये सब चीजें न्यूज में चल रही है, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं, मैटर समझ में आ गया, अब हम लोग समझते हैं कि एवियन इन्फ्लुएंजा आखिर है क्या, ठीक है, इसकी बेसिक चीजों को समझते हैं। देखिए ये इंपॉर्टेंट क्यों है, मैं आपको ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बता रहा था, क्योंकि इसमें आप देख रहे हैं कि एक वर्ल्ड लेवल पे चर्चा चला गया है, प्लस इसको जो है खुद
मतलब यहाँ पे भारत सरकार स्व घोषणा की है कि भाई हम लोग एवियन इन्फ्लुएंजा से मतलब बिल्कुल एकदम जो है इसको टैकल कर लिए हैं, बिल्कुल भी अब प्रभावित नहीं है इससे, वर्ल्ड लेवल पे चला गया है। अब यहाँ पे एक प्रश्न जो है पॉइंट ऐसे बन सकता है कि भाई उसमें लिखा रहा है कि भारत ने स्व घोषणा की है कि हम लोग जो है पूरा एवियन इन्फ्लुएंजा फ्री हो गए हैं पूरा देश में, ऐसा ठीक है, तो यहाँ से प्रश्न बनने की ज्यादा संभावना है। चलिए देखते हैं एवियन इन्फ्लुएंजा आखिर है क्या। तो ये बहुत ही अधिक संक्रामक बीमारी है, ठीक है, ये बर्ड, इसको हम लोग बर्ड फ्लू के नाम से भी जानते हैं, जिसको हम लोग एवियन इन्फ्लुएंजा अभी तक कह रहे हैं उसी को हम लोग बर्ड फ्लू भी, आप लोग कई बार इसको सुने होंगे, ठीक है। तो ये खास करके आप देखेंगे जितने भी ये पक्षी वर्ग जिसमें कि मुर्गी, ठीक है, टर्की, बटेर, ये गिनी फाउल, ये सब जो है पालतू पक्षी जो हैं, इन जान या फिर जानवर भी हैं इसमें, ठीक है, मतलब जंगली पक्षी पक्षी दिखा रहा है तो कोई बात नहीं है, पक्षी को ही ध्यान रखेंगे, तो इसमें पक्षियों में ये सब ये बीमारी फैलता है, ठीक है, लेकिन इसमें फैलने के बाद से इंसानों में भी आता है, और जब इंसानों को ये संक्रमित करता है तब हम लोग इसको कहते हैं इन्फ्लुएंजा, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि केवल पक्षी इससे प्रभावित होते हैं, ऐसे ऐसे टॉपिक्स पे प्रश्न बन जाता है ना, तो केवल पक्षियां नहीं होती हैं, इससे इंसान भी होते हैं इनके संपर्क में आने से, ठीक है। भारत में सबसे पहले ये जो बीमारी है, ये बीमारी को 2006 में महाराष्ट्र राज्य में हम लोगों ने सबसे पहले वहीं पे देखी थी, ठीक है। तो इसके बारे में कुछ खास खास बातें हम लोग को ध्यान रखना है, इतना ही बस। अगला टॉपिक देखते हैं, क्लोरोनीकरण, ठीक है, क्लोरोनीकरण मतलब एक तरीके से यहाँ पे हम लोग इसको ये भी कह सकते हैं कि जो पानी है ना, पानी को शुद्ध करने का भी एक प्रक्रिया है, ठीक है। उसमें क्या होता है, क्लोरीन या फिर क्लोरीन की यौगिक जो है उसमें मिलाने की एक प्रक्रिया है, इसको हम लोग कहते हैं क्लोरीनीकरण, ठीक है। इसमें क्या होता है, जल में क्लोरीन या क्लोरीन के यौगिक को मिलाते हैं, उससे क्या होता है, तो उससे ये होता है कि एक अलग से फिर कीटाणु नाशक यौगिक बन जाता है, जिससे जल में जितने भी कीटाणु हैं उनके लिए मतलब उनको खत्म करता है, समाप्त करता है, ठीक है। तो इस विधि का उपयोग पानी में बैक्टीरिया, वायरस एवं अन्य रोगाणुओं को मारने के लिए किया जाता है, ठीक है। पानी में क्लोरीन मिलाने पर हाइपोक्लोरस अम्ल बनता है, जो कि एक कीटाणुनाशक यौगिक है, ठीक है। तो ये छोटा सा एक टॉपिक है, देखते हैं ना, ऐसे छोटे छोटे चीजें साइंस से संबंधित बहुत ज्यादा प्रश्न देखने को मिलता है हम लोग को प्रीलिम्स में, तो इसलिए ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, प्रीलिम्स के लिए ध्यान रखेंगे। अब आता है एंजल टैक्स, एंजल टैक्स अभी न्यूज में है, ठीक है, कई बार मैं इससे पहले भी पढ़ाया, क्योंकि देखिए इकोनॉमी जो सब्जेक्ट है ना, इकोनॉमी भी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें वर्ड्स बहुत ज्यादा होते हैं, एंजल टैक्स हाल ही में न्यूज में चर्चे में रहा, एंजल टैक्स से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कई बार इसको मैं बता चुका हूँ, लेकिन अब बार बार न्यूज में रहता है और इम्पोर्टेंट भी है। इकोनॉमी में आपको ऐसे ऐसे जो टर्म्स है बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, प्रश्नवाच से बहुत ज्यादा बनता है, ठीक है, तो इसलिए हमारे लिए ये सब इम्पोर्टेंट होता है। तो जो एंजल टैक्स है, एंजल टैक्स जो है इसके बारे में कुछ बेसिक चीजें हम लोग को फिर से एक बार ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले तो एंजल टैक्स आखिर है क्या, तो एंजल टैक्स आप देखते हैं कि क्या होता है कि अभी आप देखे होंगे छोटे छोटे स्टार्टअप्स वगैरह चालू होते हैं, ठीक है, ये स्टार्टअप्स क्या करते हैं, ये कोई भी काम करने के लिए आपको पैसे की जरूरत पड़ती है ना। अब जब ये स्टार्टअप चालू करते हैं कुछ लोग मिल करके, तो इनको होती है पैसे की कमी, है ना, इस पैसे को कहाँ से लें, इसी पैसे को पूरा करने के लिए लोग बड़ी बड़ी कंपनियों के पास जाती हैं, ठीक है, उन कंपनियों में जा करके जो भी अपने पास जितना फाइनेंस जितना भी पैसा रहता है उस पैसे को ये लोग देते हैं, फिर ये जो कंपनी है ये मार्केट में उस कंपनी अपना वैल्यू जो है उस वैल्यू का ये लोग शेयर जनरेट करते हैं, शेयर वगैरह सब देखते हैं ना, वही शेयर जनरेट करते हैं। इस शेयर जनरेट जब मार्केट में जब ये कंपनी शेयर जनरेट करती है, तब इस कंपनी का शेयर जो है वो मार्केट के लोग खरीदते हैं, ठीक है।
इसी को हम लोग शेयर मार्केट में, जितना भी ऐसे नहीं आता अलग अलग कंपनी का शेयर आता है उसको खरीदते हैं हम लोग, है ना। तो जब इसको लोग खरीदते हैं ना, उस समय शेयर का जो मैक्सिमम जो एक प्राइस रहता है, जैसे कि प्राइस है 50 रुपए का, इसको मान के चलिए 60 में बेच रहे हैं या 70 में बेच रहे हैं, ठीक है। मतलब जो एक्चुअल प्राइस जो होता है ना, उस एक्चुअल प्राइस में ना बेच करके उससे कुछ ज़्यादा 60-70 रुपए इस तरीके से लोग प्राइस में बेचते हैं, ठीक है, उसी एक शेयर को। तो शेयर तो एक्चुअल में 50 रुपए का था, उसको बेचे 60 रुपए का या फिर 70 रुपए का या फिर 80 रुपए का, 100 रुपए का, ठीक है। लेकिन जो एक्चुअल प्राइस था उससे बहुत ज़्यादा में बेच दिए। तो जितना ज़्यादा में बेचे, अगर 50 का था 60 में बेचे, तो जो 10 रुपये प्राप्त होता है ना, इस 10 रुपये को सरकार कहती है कि इस पे हम लोग टैक्स लगाएंगे। इसी टैक्स को कहते हैं एंजल टैक्स। क्लियर है? एकदम आसान भाषा में आप लोगों को समझ में आ गया। अब इसका कुछ डिफिकल्ट वर्ड होगा तो उसको आप लोग देख लेना, लेकिन ये चीजें आप लोगों को जो मेन मुख्य रूप से जो समझ होता है वो समझ यहाँ से मेरे ख्याल से इतना आसानी से समझ में आ गया होगा, ठीक है। जितना भी इस प्रकार से शेयर वगैरह पे जो एक्स्ट्रा चार्जेस जो लगा करके लोग बेचते हैं, उसी चीजों पे जो है सरकार टैक्स लगाती है, ठीक है। बस इतना ही है, उसी को कहते हैं हम लोग एंजल टैक्स। एंजल टैक्स पे आखिर निगरानी कौन करता है, तो उसके बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। तो इस पे सारी चीजों पे जो निगरानी करता है वो है केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं CBDT, ठीक है, CBDT। अब CBDT का छोटा सा कुछ कुछ चीजें कई बार ऐसे पूछता है कि निम्नलिखित में से एंजल टैक्स जो है उसके बारे में, एंजल टैक्स ये है वो है, इसकी निगरानी जो है वो RBI के द्वारा की जाती है, ऐसे करके प्रश्न बना देता है। लेकिन आपको पता रहेगा कि इसकी जो है सारी देख रेख, इसका पूरा मैनेजमेंट कौन करता है, तो आप इसको बताएंगे कि हाँ नहीं ये तो गलत चीज है, इसका तो CBDT के द्वारा किया जाता है ना। तो CBDT क्या, हम लोग थोड़ा सा कुछ कुछ बातें देख लेते हैं। लगभग 1963 के आसपास में केंद्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम 1963, ठीक है, ये एक एक्ट पास किया गया। इसी एक्ट के माध्यम से केंद्रीय वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के अधीन, ठीक है, दो संस्थाएं बनाई गई। कौन कौन से दो संस्थाएं थी, तो एक था केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, दूसरा था केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड, ठीक है, ये दोनों बोर्ड बनाए गए। उसी में से एक बोर्ड है केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, ठीक है। तो बस इतना ही बात है इसके बारे में ध्यान रखें। ये लोग सांविधिक निकाय है, सांविधिक निकाय समझ में आ गया, जो भी चीजें ऐसी जो जिसमें कि एक्ट पास करके अगर उसको बनाया गया है तो सभी सांविधिक होंगी, जो डायरेक्टली संविधान से जुड़े होंगे वो लोग में कोई एक्ट वगैरह पास करने की जरूरत नहीं होगी, वो लोग डायरेक्टली उनका नियम चलेगा, फिर उसको हम लोग कहते हैं संवैधानिक, ठीक है। तो CBDT जो है वो क्या है, सांविधिक निकाय है। केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड है ना, ये मतलब इसका नाम है, और ये एंजल टैक्स ये से संबंधित जो चीजें हम लोग पढ़ रहे हैं अभी, उसका मैनेजमेंट करता है। किसके अंतर्गत रहता है, तो ये राजस्व विभाग वित्त मंत्रालय के अंतर्गत राजस्व विभाग के अधीन रहता है, ठीक है, क्लियर है। देखिए इधर से भी प्रश्न है, एक जैसे कि उद्यम पूंजी का अर्थ क्या है, यहाँ से 2014 में इस तरीके से प्रश्न पूछा गया था। तो ऐसे ऐसे चीजें, छोटे छोटे जो इकोनॉमिक्स जो होते हैं ना, इसमें छोटे छोटे वर्ड्स पे ज्यादातर प्रश्न पूछा जाता है, क्योंकि यहाँ पे छोटे छोटे वर्ड्स का बहुत बड़ा बड़ा मीनिंग वैल्यू रहता है अलग अलग तरीके से, है ना। केवल व्यापार घाटा अगर बोल दें तो इसमें कितना बड़ा बड़ा चीज आ जाता है छोटे से वर्ड में। तो ऐसे ऐसे प्रश्न बनते हैं, ठीक है। उद्यम पूंजी क्या है, बस ऐसे प्रश्न बना है, सिंपल सा प्रश्न देख लीजिएगा। इसीलिए मैं जो भी चीजें आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, सभी चीजों को देख करके पढ़ा रहा हूँ ना, तो थोड़ा सा फोकस पढ़िए, फोकस से पढ़िए, ध्यान दीजिए। अगला टॉपिक आता है हमारा न्यूनतम समर्थन मूल्य। कई बार पढ़ाया हूँ फिर भी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप देखेंगे कि UPSC का ये सब फेवरेट प्रश्न होते हैं। तो जो समर्थन न्यूनतम समर्थन मूल्य है, ये अभी न्यूज में क्यों है, तो एकदम साधारण सा न्यूज है, ठीक है, उसमें से कोई प्रश्न नहीं आने वाला है। अभी क्या की है सरकार जो है वो रबी फसलों पे जो है ना न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि MSP जो है ना, MSP को MSP में वृद्धि कर दी है, मतलब ठीक है। तो वृद्धि की जो घोषणा की है उसके कारण से न्यूज में है, ठीक है। बस इतना ही चीजें हैं,
इसमें देखिए बार बार जो है चेंजेस होते रहता है कि किसी का MSP जो है बढ़ा दिया, किसी को घटा दिया, तो हम लोग को ये चीजें नहीं पढ़नी है, हमारे को पढ़ना है इसका बेसिक चीज। रबी फसल क्या है, तो सामने में रख दिया मैं आपको यहाँ पे एक ट्रिक, अचानक से खोजते खोजते मिल गया नेट में, मैं सोचा यहाँ पे इसको चिपका देता हूँ, काम आ जाएगा। क्योंकि क्या होता है, आप लोग अगर प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आप लोग एनालिसिस कर रहे होंगे, ठीक है, मैं आप लोग बताया हुई हूँ, तो एथेनॉल जो है ना, एथेनॉल से संबंधित आप देखे होंगे एक प्रश्न था कि इसमें जो है कौन कौन से ऐसे जो है अपशिष्ट चीजें, या फिर मतलब ऐसे लिस्ट दिया हुआ था, 5 6 7 ऐसा दिया हुआ था ऑप्शन में, इनमें से कितनी चीजें जो हैं जो जो कि एथेनॉल बनाने में यूज होते हैं, आलू, जौ, सरसों, चना, गेहूं, ऐसे करके दिया था। एक प्रश्न GST से था कि इनमें से ऐसे बहुत सारे ऐसे नाम दे दिए थे, ऐसे सब्जी वगैरह फल वगैरह जो भी है ना सामान के नाम, और उसमें पूछा था कि इसमें से कौन सा जो GST है इसमें इसको सम्मिलित किया गया है इसमें अंतर्गत, ऐसे ऐसे प्रश्न। तो कई बार ऐसे ऐसे प्रश्न भी आपको देखने को मिलता है, न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP वगैरह से तो प्रश्न मिलता ही है। तो रबी फसल के अंतर्गत कौन कौन से जो है रबी फसल जो है, रबी फसल का मतलब क्या है, अभी 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 जो महीने चल रहे हैं अक्टूबर के आसपास का जो जो मतलब वातावरण होता है, इसी में रबी फसल उगाया जाता है, ठीक है। अब इसमें देखेंगे कि आलू हो गया, ठीक है, आलू हो गया, जौ हो गया, सरसों हो गया, चना हो गया, गेहूं हो गया, मटर हो गया, ये सब जो होते हैं ये रबी फसल होते हैं। एक ट्रिक है इसके लिए, रवि आ जा सच में गेम खेलेंगे, रवि को बार बार बेवकूफ बना दिए हैं लोग, है ना, कि बेचारे को खेलने के नाम पे बुला के उसको पढ़ा रहे हैं ना, तो ये ट्रिक है, रवि आ जा सच में गेम खेलेंगे, तो रवि तो ठीक है ना, रवि को छोड़ देते हैं। बाकी जो है आ जा में से आलू, जा में से जौ, स से सरसों, च से चना और गेहूं और मटर, ऐसे करके देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं, लास्ट है बस, हो गया, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक था सभी टॉपिक्स, इसलिए मैं आप लोगों को आराम से धैर्य से ही पढ़ाता हूँ। देखिए ये सब चीजों के लिए धैर्य रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है, इसके बिना काम नहीं चलेगा, धैर्य, तपस्या, ये सब चीजें जो सुने होंगे सब यही यहीं पे काम आता है, ठीक है। तो चलिए लास्ट टॉपिक है बस, देख लेते हैं MSP क्या है, न्यूनतम समर्थन मूल्य आखिर ये है क्या। सबसे पहला एकदम साधारण भाषा में आपको बता देता हूँ क्या है, तो कभी कभी क्या होता है ना, पेन मेरा चल नहीं रहा लगता, ठीक है चलने लगा, कभी कभी क्या होता है कि सरकार जो है ना ये इसका मतलब जितने भी कृषक वर्ग हैं जो उत्पादन कर रहे हैं लगातार, उनका एक हिम्मत बनाए रखने के लिए, उनको एक सपोर्ट बनाए रखने के लिए, कई बार क्या होता है ना कि जो कृषक होते हैं किसी चीज को उपजाते हैं उसको जब बेचते हैं तो उनको सही मूल्य नहीं मिल पाता, जितना वो लोग श्रम और सारी चीजें जो लगाए रहते हैं उस तरीके से नहीं मिल पाता है, ठीक है, या तो मार्केट में उनको दबाव बहुत ज्यादा होता है, इसके कारण से फिर क्या होगा, कृषि जो है वो हतोत्साहित होगा, है ना, इससे पूरे देश को एक समझिए कि खाद्य संकट जो स्थितियां आती हैं वही इन सब से फिर आगे वैसा संकट आ सकता है, तो ऐसे बहुत सारे लिंक इसमें जुड़े हुए हैं, ठीक है, फिर संकट, फिर बेरोजगारी, फिर कुपोषण, बहुत सारे ऐसे चीजें, इन सभी को मैनेज करने के लिए सरकार जो है इनको सपोर्ट देती है, इसी सपोर्ट को हम लोग कहते हैं MSP, ठीक है। इसमें क्या करती है सरकार, इनके सामान को खुद खरीद लेती है, भाई चलो आपको मार्केट रेट से इतने रेट में हम लोग देंगे, 50 रुपए का रेट से सभी कृषक यहाँ पे लेके आ जाते हैं, फिर ये अब हमारे देश के अंतर्गत लोगों को भी देखना है कि लोग इससे अब कैसे करें, तो सरकार फिर हमारे जो जनता है जनता को फिर ये कम दाम में 50 का 5 रुपए में अपना खुद घाटा सह करके फिर ये हमारे जनता तक पहुंचाती है, जो गरीब जो लोग हैं, है ना, बहुत सारे गरीब लोग हैं जो लोग कार से भी लेने आते हैं राशन, उन लोगों को बांटने के लिए ये मतलब सरकार निकाल के लेकर के आती है, ठीक है, किसी को मैं वो नहीं कर रहा हूँ, कई लोग सुन रहे होंगे और वो लोग लेने भी जा रहे होंगे तो थोड़ा दुख लगे वो लोगों, तो ये गरीबों के लिए फिर इस तरीके से जो है उनको राशन मिलता है, ठीक है। कृषि लागत मूल्य आयोग,
ये जो है ये पूरा एमएसपी का मैनेजमेंट करती है, ठीक है। इनके अनुशंसा वगैरह पे सारे काम ये सब होते हैं, ठीक है। अभी मुख्य रूप से जो है इसमें 14 फसलें, रबी 6 रबी फसलें और फिर अन्य वाणिज्यिक फसलें जो है इसमें रखे गए हैं, ठीक है। जैसे अनाज में साथ गेहूं जो है, धान, गेहूं, जौ, ज्वार, बाजरा, मक्का, रागी, दालें वगैरह, चना, अरहर, फिर तुअर, मूंग, उड़द, ये सब जो है ना ये सभी को एमएसपी के अंतर्गत रखा गया। तिलहन में मूंगफली, रेपसीड या सरसों, तोरिया, सोयाबीन, सूरजमुखी के बीज, तिल और कुसुम बीज, ये सब चीज, ठीक है। कपास हो गया, कच्चा जूट, ये खोपरा, भूसी वाला नारियल वस्तु, तो ये सब पे एमएसपी अभी है, ठीक है। तो हम लोगों ने सारी चीजें समझ लिया कैसे कैसे जो है इसमें पूरा मतलब जितना जो जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं सभी को हम लोग पढ़ लिए, ठीक है। अच्छा लगा होगा तो आप लोग लाइक कर देना, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो कर लेना, क्योंकि बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल हमारा कंटेंट होता है, वीडियो होता है, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प भी मिलता है इससे, ठीक है। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।